कितना हुआ? 36 रुपये। छुट्टा नहीं है? छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। तो आपके पास नहीं, हमारे पास कहाँ से होगा? छुट्टा तुमको रखना चाहिए ना। मैं क्यों रखूँ? रिक्शा तुम चलाते हो, छुट्टा तुमको रखना चाहिए। एक मिनट, रिक्शा चलाने में और छुट्टा रखने का क्या ताल्लुक है, जरा आराम से बताइए। This is the problem with these guys. They say something, they do Even something. I can speak English, okay? So what do you mean by you can speak English, huh? Yeah, I can speak English. I'm a graduate. That is not the point. Why you don't have change? But why you don't have change? Now don't start all over again. Excuse me, आपके पास 50 का छुट्टा है? क्या? क्या है ना, it's a long story. आपके पास छुट्टा है? हाँ, शायद देखता हूँ. ये लो, 10, 10, 10, 5, 5, 4 रुपये रख लो. ये लो 5 रुपये, 1 रुपया आप ही रख लो. You know something? Actually, I like this guy. उसके पास बहुत self-respect है. बीच सड़क पे मर्डर हुआ है. कोई विटनेस है क्या? पूरी पब्लिक थी वहाँ. तो जाके लेके आओ ना विटनेस को. मैंने सुना है इस मर्डर के पीछे जॉन है. कौन जॉन? बापू का आदमी. पब्लिक का क्या है? टाइम पास करने के लिए कुछ भी बोल देती है. पब्लिक के बारे में? पब्लिक के बारे में मेरे को मत समझाना. तुम अखबार वाले अपने आप को समझते क्या हो? चिल्लाने की क्या जरूरत है, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ. ड्यूटी की बात छोड़ो मैडम, जाके कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो. नो नीड टू गेट पर्सनल. मैं इंग्लिश समझता नहीं. बापू ने मैसेज भेजा है, तुमसे मिलना चाहता है. मुझसे? हाँ. इंस्पेक्टर शिव कुमार. बैठो. कुछ काम था मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं था, बस बापू मिलना चाहता था. बिना काम मुझको बुलाने का क्या मतलब? अरे यार, क्या बोलता है, काम का क्या है, एक ही गली मोहल्ले में रहते, मिलने का. अभी कल ही डीसीपी साहब आए थे. हो सकता है डीसीपी साहब आके गए, पर बिना काम मुझको बुलाने का क्या मतलब? मिठाई खाएगा? नहीं. गुड हैबिट हेल्थ के लिए अच्छा है. तो मैं चलूं? गुड बाय. माने इसके ऊपर 4-5 नजर रखो. अभी आए. तुम 100 दरवाजे खटखटाते हो तब जाकर कोई एक क्लाइंट मिलता है. या राहुल की फीस का टेंशन है मुझे, वो अलग. शिवा की ट्रेनिंग पे जो भी कुछ पैसे खर्च कर दिए, क्या फायदा? हाँ, सोचा था पुलिस में भर्ती हो जाएगा, ऊपर की कुछ कमाई होगी. आइए, मिस्टर और मिसेस साथे आए थे मिठाई का बॉक्स देने. बधाई हो, शिवा पुलिस में भर्ती हो गया है. खाओगे मिठाई?
टेम्पररी तो यहाँ सेफ है। हाँ, वो लड़की को संभाल के रखा है ना? सीमेंट का रूम है, बंद कर दिया है उधर। हाँ, एक काम कर तू, लखनऊ में पटेल को कांटेक्ट कर, मेरा उसका। चुप बैठ, चुप। इसको फोन कर, उसको फोन कर, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। सत्यानाश कर दिया है गैंग का। तू मेरे से ऐसा बात करता है? चुप बोल रहा हूँ तो। इतना डेरी तेरा, तू बाप से ऐसा बात करता है तेरी? अरे चुप बोल रहा हूँ ना, बैठ। एक सुन सुन के देखो क्या हुआ है। लड़की से क्या करना मैं देखूंगा। शिवा का पीस पीस मैं करूंगा। बात खत्म। जा बैठ, बैठ, जा बैठ। डाउन, बैठ। है कौन तुम लोग? ये बोलो ना। Thank you.
साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, निर्भय बनूंगा, निर्भय बनूंगा, मैं देश की जनता की सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। थोड़े ठंडे दिमाग से सोच और समझ। तेरा पूरा गैंग खत्म हो गया है, जॉन भी मर गया है, जेल तो तू जाएगा ही और वहां शिरके किसी और को भेज के तेरे को मरवा देगा। अब बचने का तेरे पास एक ही रास्ता है, तू सरकारी गवाह बन जा और शिरके के खिलाफ प्रेस में बयान दे दे। कम से कम जेल में तो शांति से जी सकेगा। सोचने के लिए 2 मिनट मिलेगा। कि अपने अंडरवर्ल्ड संबंधों की वजह से निलंबित इंस्पेक्टर सावन महाराष्ट्र से बाहर भाग गए हैं। सब इंस्पेक्टर शिवा ने आज बापू को सरकारी गवाह बनाकर जनता और मीडिया को चौंका दिया। बापू ने अपने बयान में गृह मंत्री मनोहर शिर्के के अंडरवर्ल्ड संबंधों को सामने रखकर सरकारी सिद्धांतों पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने सावंत साहब को गिरफ्तार कर लिया, कल सुबह की फ्लाइट से उनको मुंबई ले जा रहा है। हेलो, मुबारक हो शिवा, बहुत तरक्की और नाम कमा लिया है तुमने, अच्छी बात है। लेकिन पैसा कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे? 10,000-20,000। मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा, लेकिन तुझे सिर्फ मेरे लिए काम करना पड़ेगा, सोच ले। मैं बहुत जल्द आपसे आके मिलूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ।